हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेन्यू टू फिज़िक्स चैनल में। मेरा नाम है अमरजीत कुमार एंड मैं थोड़ा बहुत फिज़िक्स पढ़ाता हूँ और चीज़ों को इजी करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास एक्सेलरेशन से पहले स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया था, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग व्यू थोड़ा सा समझे थे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि क्या होता है स्पीड, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद एक काइनेमेटिक्स का एक और पैरामीटर होता है एक्सेलरेशन, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और हमेशा की तरह कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं जब हम लोग एक बाइक चलाते हैं, ठीक है। आप लोगों में से कई लोग बाइक चलाते होंगे, है ना। तो जब आप लोग बाइक चलाते हो तो आप लोगों ने थोड़ा सा कुछ कुछ केयर किया होगा आप लोगों ने, कि जैसे ही आप लोगों ने बाइक स्टार्ट किया, ठीक, तो आप लोग क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो ना, एक्सेलरेटर दबाते हो, राइट, उसको घुमाते हो, थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हो। उसके बाद क्या करते हो, आप लोग गियर लगाते हो, गियर लगाते ही आप कुछ स्पीड से चल पड़ते हो, ठीक है, कुछ स्पीड से चले। अब क्या करते हो, अब आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको इसे थोड़ा सा और घुमाना पड़ता है, मतलब एक्सेलरेटर को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो एक्सेलरेटर को बढ़ाने से स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड के चेंज की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, या ये भी आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन आने के वजह से स्पीड का जो है वो चेंज हो गया। दोनों आप बोल सकते हो, है ना। तो स्पीड के चेंज को लाने के लिए हम लोग एक्सेलरेटर का यूज़ करते हैं, है ना। तो जहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, तो आपका एक्सेलरेशन का इंट्रोडक्शन होता है, एक्सेलरेशन का रोल प्ले वहाँ पे होता है, है ना। अभी तक आप लोग सिर्फ स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग ये नहीं जाने थे अभी तक कि अगर वेलोसिटी चेंज करने लग जाए तो क्या होगा। तो उस टाइम पे जैसे ही वेलोसिटी किसी टाइम टी में चेंज करती है तो एक्सेलरेशन आता है किसी भी बॉडी में। तो सबसे अच्छा एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल है, वो बाइक है आपका। जब आप चलाते हो तो आप एक्सेलरेट करते हो, तो अपनी स्पीड को अप करते हो। उसी तरीके से जब आपको स्लो डाउन करना होता है तो आप ब्रेक लगाते हो। यहाँ पे एक ब्रेक होता है, राइट, तो आप इसको लगाते हो। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, आपकी स्पीड जो है डिसेलरेट करते हो तो आपकी स्पीड जो है वो घटती है, स्पीड घटती है। यहाँ पर भी चेंज इन वेलोसिटी हुई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी किस वाइज हुई, मैग्नीट्यूड वाइज, इसकी वैल्यू घटी ना, मैग्नीट्यूड घटी। जैसे ही आप ब्रेक लगाए तो आपकी स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन होती है। स्लो डाउन होने का मतलब क्या है, स्पीड घट रहा है, है ना। तो दोनों ही केस आप लोग देखें, जब आप एक्सेलरेट करते हो तो भी स्पीड बढ़ती है और जब आप ब्रेक लगाते हो तो डिसेलरेशन होती है, वहाँ उसको डिसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट है। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ना, और डिसेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी घटना। ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान से याद रखो, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है या घट रही है या बढ़ रही है तो उस केस में कुछ एक्सेलरेशन होगा या डिसेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो डिसेलरेशन होगा। ओके, अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए कि जैसे ही आप एक्सेलरेशन जो है और वेलोसिटी, जब स्पीड अप होती है, चलिए ये तो यहाँ तो आप डायग्राम में आप ये चीज़ समझ गए। तो बेसिकली पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी चेंज इन टाइम विल गिव यू व्हाट, एक्सेलरेशन, है ना। तो वेलोसिटी का चेंज, पहला वाला आप देखिए कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज किया तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन भी इंक्रीज किया, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज किया
तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो है वो अभी डिक्रीज़ किया। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन, डिसेलरेशन। ओके, या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं आप, रिटार्डेशन। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को। बाइक का एग्जांपल थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बाइक का एग्जांपल दिया। ठीक है, ये आप लोग बहुत सारी चीज़ों में, कार में भी वही चीज़ होता है, आप स्पीड अप करते हो तो आपकी एक्सलेशन बढ़ती है, स्पीड डाउन करते हो तो आपकी एक्सलेशन घटती है। ठीक, अब जब आप स्पीड अप करते हो, स्पीड अप करते हो तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। मैं पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम होती है। अगर ये नेगेटिव होगी तो ये भी नेगेटिव होगी। ओके, अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये भी पॉजिटिव होगी। राइट गाइस, कि नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों। ओके, और क्या, स्पीड डाउन में क्या होता है? स्पीड डाउन में दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, डायरेक्शन इज अपोजिट। ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है गाइस। ठीक, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन। इतना समझ में आया गाइस? ठीक है, ये तो हो गया कुछ बेसिक्स। चलिए, अब एक्सेलरेशन को हम लोगों ने कहा, चलिए एक एग्जांपल तो आपने देखा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर एक्सेलरेशन स्पीड अप कर रहे हैं या स्पीड डाउन कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कैसे आ रहा है। अब उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, क्या यार, थोड़ा बड़ा हो जा। हाँ ओके, चलिए समझते हैं आप। दिख रहा है आप लोगों गाइस? पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा? हाँ ये कलर, ठीक है ठीक है। तो इस घोड़े को आप देख रहे हो, ये घोड़ा क्या कर रहा है? ये घोड़ा जो है दौड़ रहा है। इस मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल कुछ पाथ है, स्फेरिकल पाथ है जिसमें ये घोड़ा जो है अपनी कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड, मैंने बोला कांस्टेंट स्पीड, मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोली, इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये एक सर्कुलर मोशन में दौड़ रहा है, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पे। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी की बात करें, जब ये हॉर्स यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी, स्पीड इस डायरेक्शन में, या मैं बोलूँगा वेलोसिटी इस तरफ है। जब आप ये वाले पॉइंट की बात करो तो अभी भी स्पीड जो है वो वी है लेकिन इस तरफ है। तो जो पाथ हुआ अभी ये थीटा एंगल पे था, ये कुछ थीटा टू एंगल पे हो गया ना, तो आप बोलोगे ना कि ये डायरेक्शन जो है चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी भी चेंज हुआ होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, मतलब ये बोथ डायरेक्शन वाइज एंड बोथ मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो सकता है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इन दिस केस ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। अच्छा, डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आ रहा होगा। यार इस केस में एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं, इस केस में एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे। ठीक है, अब उसी तरीके से आप एग्जांपल ले लो मौत का कुआं। मौत का कुआं लोग बचपन में लोग बहुत लोग देखने गए होंगे ना, तो उसमें क्या होता है गाइस, वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग बस एक्सेलरेट करते हैं। तो आप मौत का कुआं देखे होगे तो नीचे वाली जो रेडियस होती है मौत का कुआं में वो थोड़ी कम होती है, जैसे जैसे वो लोग ऊपर आते हैं जो सर्कल की, वो रेडियस बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो वो बढ़ती क्यों चली जाती है, उसका रीज़न मैं आपको आज बताता हूँ। कईयों को मालूम हुआ, कईयों को नहीं मालूम होगा। वो बंदे लोग करते क्या हैं, अपनी बाइक की एक्सेलरेटर को बस बढ़ाते हैं। एक्सेलरेटर बढ़ाने से क्या होता है कि वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड वाइज भी बढ़ती है, मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ने के कारण जो है उसका जो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो भी बढ़ता है। ठीक,
डायरेक्शन वाइज तो वो सर्कुलर मोशन में रह सकती है, लेकिन वो नीचे इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, जिसके कारण उस वो जो है सर्कुलर मोशन थोड़ी सी ऊपर आते आते बड़ी होती जाती है, जिसके कारण वो लोग गिरते नहीं हैं, इसलिए उसको मौत का कुआं वो लोग बोलते हैं। एक्चुअली उसके पीछे जो है सर्कुलर मोशन का फंडा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वहाँ हो रहा होता है। ठीक है गाइस, समझ में आया? तो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ज़्यादा आप लोग इतना टेंशन मत लो अभी कि समझ नहीं आ रहा है एंड ऑल दैट। बस अब अभी के लिए इतना ही समझो कि एक्सेलरेशन जो है दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड वाइज जो आपने इसमें देखा बाइक के केस में, और एक विदाउट मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रही है, या किसी भी टर्निंग पॉइंट पर भी ले लो ना। अगर मान लो आप बाइक चला रहे हो और टर्निंग आई, तो आप स्पीड सेम रखे हो लेकिन टर्न किए हो, तो उस केस में अगर टर्न हो गया अच्छे से, अगर हाँ भाई तुम लोग बच पुचा गए, ठीक है एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे वेलोसिटी तो सेम, स्पीड तो सेम थी लेकिन एक्सेलरेशन वहाँ पे था, तभी आप टर्न ले पाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो एक्सेलरेशन दो तरीके से चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। जहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी सिर्फ, वहाँ पे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कुछ आ रहा होगा, ठीक है, या कोई एक्सेलरेशन ज़रूर होगा, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बोलो, या कोई फोर्स ज़रूर होगा जो उसको मुड़ने में मदद कर रहा है। उसी तरीके से जब आप स्पीड अप या स्पीड डाउन हो रहे हो, तो वहाँ पे ज़रूर एक एक्सेलरेशन होगा जो कि स्पीड अप के केस में एक्सेलरेट कर रहा होगा और स्पीड डाउन के केस में डिसेलरेट हो रहा होगा। ओके, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है जो हॉर्स इज़ ऑल्सो एक्सेलरेटेड, मतलब अभी हम लोग समझ गए क्यों एक्सेलरेटेड है। फिर उसके बाद उसी तरीके से कॉन्स्टेंट स्पीड है टर्निंग पॉइंट पे, तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, जो कि हॉर्स वाला केस था। स्पीड अप करोगे आप तो एक्सेलरेशन होगा, स्पीड डाउन करोगे तो डिसेलरेशन होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा गाइस, स्पीड ज़ीरो है उस केस में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए, बेसिक फंडा आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है स्पीड अप स्पीड डाउन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ओके गाइस, उसी तरीके से ए को रिप्रेजेंट किया किया जाता है इससे, और हम बोलेंगे वी टू माइनस वी वन। वी टू क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी वन चेंज इन टाइम, इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके गाइस, ये काइंड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन है। अगर हम लोग को ए इंस्टेंटेनियस निकालना होगा, तो हम लोग स्पीड में वेलोसिटी में जैसे किए थे, हम लोग एक छोटे से इंटरवल एकदम स्मॉल डी टी टाइम के लिए देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी। उसी तरीके से अगर फिर से लिखें तो हम लोग क्या किए, डेल्टा टी को बहुत स्मॉल कर दिए, तो उस केस में जो वेलोसिटी का जो छोटा सा चेंज आया उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ओके गाइस, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बोलते देखते हैं, और इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन वो क्या होती है गाइस? मीटर मतलब क्या हो गया? एल, एस स्क्वायर मतलब टी माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन। चलो यहाँ तक समझ में आता है एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हम लोग समझ लिए। चलो गाइस, फिर से एक और फॉर्मूला, अगर आपको ए एवरेज निकालना है, ए एवरेज, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये कब लगाना है गाइस? जब ए इन द फॉर्म ऑफ टी दिया हो फंक्शन डी टी, तो आप डी टी के टर्म्स में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? चलो ये कुछ टाइम टी वन से टी टू, ये टी वन से टी टू। चलो अब मान लो एक्सेलरेशन जो है, स्पेशल केस, स्पेशल केस आप बोलो या सिंपल एक केस बोलो, जब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या ज़ीरो है? ओके, दोनों में कांस्टेंट मतलब क्या होता है? ज़ीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है गाइस, है ना? तो ये एक केस बन जाता है कांस्टेंट का, दिस इज़ अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी माइनस यू बाय टी, या तो लिख सकते हैं डी वी बाय डी टी। ये क्या है? ये फॉर्मूला होता है एवरेज फॉर्म में डायरेक्ट, ये किसी इंस्टेंटेनियस फॉर्म हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है गाइस? चलो
तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ रिलेशन डेवलप करने वाले हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। तो सबसे पहले किसी भी एक को आप यूज़ करके कर सकते हो, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं बोलूँगा डी वी बाई डी टी ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। चलो तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी अगर निकालनी है ए और टी के टर्म्स में, तो मैं बोलूँगा इनिशियली इसकी कुछ यू वेलोसिटी होगी और फाइनल कुछ वी हुआ इस एक्सेलरेशन के डी लगने पे टी डी टी समय में। तो मैं बोलूँगा ज़ीरो से एक्सेलरेशन कुछ लगा टी टाइम तक कुछ लगा होगा, ठीक है गाइस। तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका वी माइनस यू और ये आ जाएगा आपका ए टी। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बनता है गाइस, सबसे पहला फॉर्मूला इसको बोलते हैं वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल प्लस ए इंटू टी। ये सारे वेक्टर के फॉर्म है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन वाइज यहाँ पे पुट करना है, ध्यान रखना है। चलो ये फॉर्मूला नंबर वन आ जाता है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन बोलते हैं इसको, फॉर्मूला नंबर वन। उसी तरीके से आप बोल सकते हो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा गाइस बताओ आप। आप एक तरीके से आप क्या करोगे, वी इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, वी इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, डी एस बाई डी टी लिखते हो गाइस। तो आप एस और वी में और ए में रिलेशन निकाल सकते हो यहाँ से। तो मैं बोलूँगा डी एस इंटीग्रेशन वी डी टी, मैं बोलूँगा इनिशियली एट टी इक्वल टू ज़ीरो पे कुछ एस वन डिस्प्लेसमेंट पे था, पोजिशन पे था, और फाइनली कुछ एस टू हुआ, और इनिशियली वो क्या था, ज़ीरो यू पे था, इनिशियली कुछ यू पे था, ओके गाइस। और फाइनली कुछ कितना हो गया होगा, सॉरी यहाँ पे तो इस तरह तो टाइम का फंक्शन है, सॉरी गाइस। ये आपका इनिशियली मान लेते हैं टी इक्वल टू ज़ीरो से शुरू हुआ है और टी इक्वल टू स्मॉल टी तक गया ऑब्जर्वेशन। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड तो सीधा आ जाएगा एस टू माइनस एस वन गाइस, ओके। नाउ वी की वैल्यू अगर हम वन से पुट करें तो क्या लिख देंगे, यू प्लस ए टी, इसको डी टी के साथ इंटीग्रेट कर देंगे ज़ीरो से टी में। तो आप लोग भी साथ साथ करते रहो, ये बहुत ही ईजी है। डी टी का इंटीग्रेशन यू टी आ जाएगा सिंपली, प्लस टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, टी स्क्वायर बाई टू होता है ना, ये आप लोग याद रखो, ये बहुत बार काम आने वाला है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ओके गाइस। तो सिंपली ज़ीरो से टी एक और बार लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट लगाओगे तो यू ऑफ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लोअर लिमिट लगाओगे ज़ीरो, तो ये दोनों ज़ीरो ही हो जाना है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है ये दूसरा है। अगर इफ एस वन इक्वल टू ज़ीरो देन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। चलो यहाँ तक समझ में आया। थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में क्या है, एक्सेलरेशन को आप एक और तरीके से लिखते हो, एक तो लिखते हो डी वी बाई डी टी लिखते हो, एक और तरीके से आप लिख सकते हो, अगर डी वी बाई डी टी को अगर मैं बोलूँ डी एक्स ऊपर और डी एक्स नीचे मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा और ये डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वी एस और ए में रिलेशन आ सकता है गाइस, है ना, वी एस और ए में रिलेशन आ सकता है। चलो तो ये चीज़ समझ गए, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिलेशन। तो इस तरफ ले आएंगे ए डी एक्स और ये इस तरफ आ जाएगा वी डी वी बाई वी डी वी का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, इनिशियली मान लेते हैं यू है, फाइनली मान लेते हैं वी है, और ये इनिशियली मान लेते हैं ज़ीरो था और फाइनली कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा एस। चलो यहाँ तक समझ में आया, अब उसको मान लेते इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। तो मेरा आया ए डी एक्स कहाँ से, ज़ीरो से एस, इस तरफ वी डी वी बाय यू से वी। तो हमारा इस तरफ आ जाएगा सिंपली ए एस, ओके। नाउ वी स्क्वायर बाय टू कहाँ से कहाँ, यू से वी, तो
तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। ओके गाइस, नाउ तो ये हमारा निकल कर आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, चलो तो वी फाइनल स्क्वायर इक्वल टू यू इनिश वी इनिशियल स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमारा थर्ड फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले बेसिकली। एक चौथा एक और फार्मूला होता है जो कि आप डायरेक्ट याद रखो तो बेटर होगा। इसको बोलते हैं एस एन इक्वल टू यू बाई यू वाई, सॉरी यू प्लस ए बाय टू इन टू टू एन माइनस वन। ओके गाइस, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है ये जो है डिस्प्लेसमेंट इन एनथ सेकेंड, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ तक समझ में आया? एक्सेलरेशन के कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से ये चार रिलेशन हमें मिलती है जो कि बहुत ही यूज़फुल होंगी आपको काइनेमेटिक्स के मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस बनाने में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। ओके गाइस, तो ये था बेसिक आइडिया एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन होता क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं बाकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम और वेलोसिटी में। ठीक, तो बेसिकली इस पार्ट में मैं इतना ही कवर कर रहा हूँ, आगे की मैं उसके बाद वाले पार्ट में कवर करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है। तो अगले वाले पार्ट में मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले